हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज है करवा चौथ और आज मैंने फास्ट रखा है, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट करके जो भी लोग फास्ट कर रहे हैं करवा चौथ का, उन सभी को अपनी तरफ से विशेस दे दूँ। सो मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। और टॉकिंग अबाउट माई प्लेस, तो अभी मेरी जो मॉर्निंग की पूजा है वो हो गई है और बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं आज। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैंने जो फास्ट वगैरह स्टार्ट किया था करवा चौथ का, तो मैं पानी नहीं पीती हूँ शुरू से ही। तो जिस तरीके से स्टार्ट किया था वही कंटिन्यू कर रही हूँ, तो नहीं पीती हूँ पानी। और शिकागो में जब मैं थी ना, तो वहाँ पर ठंडा मौसम था, तो बिल्कुल भी प्यास तो वहाँ लगती नहीं थी। थोड़ी बहुत भूख भले ही फील हो जाती थी, लेकिन प्यास नहीं फील होती थी बिल्कुल। बट यहाँ पे फ्लोरिडा में थोड़ा ह्यूमिड वेदर रहता है, थोड़ा बहुत पसीना भी आता है और थोड़ी हल्की सी गर्मी रहती है, तो उस हिसाब से ना थोड़ा सा गला हल्का सा सूख रहा है। अच्छा, तो मैं ना आप लोगों को अपना ये वाला जो सूट मैंने पहना हुआ है ये दिखा देती हूँ। तो ये ना रेड कलर का सूट है और ये कॉटन की कुर्ती प्लस इसके साथ में लेगिंग्स वाली जो पजामी है वो है, और इसका दुपट्टा बड़ा ही प्रिटी सा है, इसको एज अ स्कार्फ भी यूज कर सकते हैं। तो ये मुझे जब मैं इंडिया गई थी ना, तब मुझे गिफ्ट में मिला था, और अभी जब इंडिया से जब वापस आई, तो जो भी सामान मुझे इंडियन कल्चर वाला जो क्लोथ्स वगैरह वो सब मिले थे ना, तो मैं साथ में ही ले आई थी। तो अच्छा लग रहा है, ये सूट रेड कलर का है और नया ही है, तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ तो अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्राइट सा और ब्यूटीफुल सा कलर है। सो अभी मैं थोड़ी सी कुकिंग कर लेती हूँ क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा है, ऑल्सो जो शाम की तैयारी है थोड़ी बहुत उसकी कुकिंग ही करूंगी। और बीच बीच में ना मैं आप लोगों से बात करती रहूंगी, सारे अपडेट्स देती रहूंगी, तो इस तरीके से मेरा एज अ डे इन माई लाइफ टाइप से व्लॉग जाएगा। और हाँ, मैं तो भूल ही गई आप लोगों को ना अपनी मेहंदी दिखाना। तो ये मैंने रात को मेहंदी लगाई थी जब बच्चों को सुला दिया था उसके बाद, और ऐसा कलर आया है क्योंकि ना सुबह से पानी में तो हाथ जा ही रहा है, दोनों को पहले रेडी करवाया, उसके बाद किचन के काम वो सब, तो पता नहीं ज्यादा डार्क होगी कि नहीं, ऐसी हुई है। और ना मुझे ज्यादा मेहंदी वेहंदी लगाना आता नहीं है, तो बस मैंने ऐसे ही, मतलब शुभ मानी जाती है थोड़े हाथ लाल कर लो, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा सिंपल सा कुछ डिजाइन लगा लिया है। सो आप लोगों से बात करने के बाद मैंने थोड़ा सा किचन का काम किया, आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इनको मैं निकाल दूंगी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद पील करके मैश करूंगी। ऑल्सो मैंने यहाँ पर गाजर, ग्रीन बीन्स और कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम, ये चीज़ें कट की हैं, और मैं मिक्स वेज सब्जी बनाने वाली हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोई फेस्टिवल होता है तो पनीर की सब्जी बनाती हूँ, बट सोचा कि डिफरेंट बनाती हूँ। सो मैंने कढ़ाई में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लिया था गरम हुआ, तो उसमें मैं सब्जियां सॉटे कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना दो टमाटर और जिंजर और हरी मिर्च ली है, इसका प्योरे कर लूँगी, और आज प्याज लहसुन जो है वो अवॉइड कर रही हूँ। तो ये देखिए, सब्जियों को हमको ना 70% थोड़ा पका लेना है, इससे सब्जियों का जो फ्लेवर है बड़ा अच्छा आएगा। और दूसरी तरफ अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया, उसमें हींग और जीरा, कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, इनको थोड़ा फ्राई किया, और उसके बाद कैप्सिकम ऐड कर दी है। कैप्सिकम को मैंने बाकी सब्जियों के साथ सॉटे नहीं किया था, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाती है, तो मैं बस अभी एक बार सॉटे करूँगी। और उसके बाद मैंने ये जो ग्रेवी बनाई थी ना ये ऐड कर दी है, और मसालों में वही 3-4 मसाले, तो मैंने धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, मिक्स एवरीथिंग वेल। और उसके बाद ना मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके जब तक इसका ऑयल ना रिलीज़ होने लग जाए तब तक मैं इसको कुक करूँगी। और नेक्स्ट मैंने ऐड कर दी हैं वो वेजिटेबल्स जो मैंने सॉटे की थी। उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ पर द टेस्ट, और मिक्स करने के बाद इनको थोड़ा और कुक कर लेंगे। ये 70% ऑलरेडी कुक हैं, थोड़ा और कुक होने के बाद सब्ज़ी में ऑयल सा रिलीज़ होने लग जाएगा साइड्स में, और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, और बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं। पुष्पेंद्र के लिए मैंने यहाँ पर लंच रेडी कर दिया है, रोटियाँ बना दी हैं, थोड़ी सब्ज़ी और साथ में दही, और इस तरीके से उनका लंच हो गया है। और ये मैंने ना लड्डू बनाए थे कल, आज तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैंने कल ही बना दिए थे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसमें 2 कप ग्रेटेड कोकोनट पाउडर ऐड किया है, इसको मैं हल्का सा सॉटे कर लूँगी सो दैट इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ना रहे, और इसको बहुत ज़्यादा हमको ओवर कुक नहीं करना है। तो एक परात में मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है। ऑल्सो 1 कप मैंने मिक्सड नट्स लिए हैं, तो इसमें काजू है, बादाम है और थोड़े से अखरोट हैं, तो इन सबको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा घी लिया है और 2 कप मखाने भी रोस्ट कर लूंगी।
तो इससे लड्डू थोड़े और न्यूट्रिशियस हो जाएंगे। अदरवाइज़ हम सिर्फ कोकोनट पाउडर के भी लड्डू बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों को ठंडा होने दिया और ये है मेन इंग्रेडिएंट। तो ये नेस्ले का जो कंडेंस मिल्क का डब्बा होता है वो है, इसमें से मैंने हाफ कैन जो है कढ़ाई में लिया है और हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी सो दैट मुझे लड्डू बाइंड करने में ईजी रहे। और उसके बाद थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करूँगी। हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस मैंने गैस बंद कर दी है। और उसके बाद सारी चीज़ों को हम एक परात में ले लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स और मखाने मैंने रोस्ट किए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है सो दैट लड्डू का जो टेक्सचर है वो अच्छा रहे। और बस सारी चीज़ों को मैं पहले अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें सारे फ्लेवर्स आएंगे, ऑल्सो लड्डू बनाना भी ईजी होगा। सो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं आपको एक दो लड्डू बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने एक लड्डू बनाया और एक प्लेट में ना ग्रेटेड कोकोनट जो था पाउडर वो ले लिया और लड्डू को थोड़ा सा उसके ऊपर रोल कर दिया। तो इससे ना ये और ज़्यादा दिखने में भी सुंदर लगेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे। और ये लड्डू कंडेंस मिल्क से बने हुए हैं तो इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हमें 4-5 डेज में फिनिश करने होंगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, लिमिटेड क्वान्टिटी में ही बनाए हैं। सिया को मैं पिकअप करके ले आई हूँ बस स्टॉप और भूमि को पुष्पेंद्र लेने गए हैं उसके स्कूल से, तो वो लोग भी आते होंगे। और आफ्टरनून में ना मैं एक नैप लेने चली गई थी, मेरा सर थोड़ा सा भारी भारी सा हो रहा था, लेकिन जब मैं थोड़ा सो गई ना तो तब तक मतलब मेरे को अब काफी बेटर फील हो रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है। और मैंने एक लोड लॉन्ड्री का लगाया था, उसके बाद मैं सो गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसको ड्रायर में डालूं। तो जब मैं आई तो वो ऑलरेडी कपड़े ना ड्रायर में डले हुए थे, तो पुष्पेंद्र ने ना मुझे जगाया नहीं और वो कपड़े ड्रायर वायर में डाल के और फिर भूमि को लेने चले गए हैं। तो सिया और भूमि ना दोनों के लिए कुछ स्नैक्स बना दूंगी, पुष्पेंद्र के लिए चाय बनाऊंगी, तो अभी तो ऐसे चलेगा। ऑल्सो किचन रिलेटेड कुछ काम पेंडिंग है अभी, और एक सब्जी बना दी थी मैंने, आटे का डो रेडी कर दिया था और आलू बॉयल किए थे, तो उसको आलू की कचौड़ियों की ना स्टफिंग बनाऊंगी। पुष्पेंद्र का मन है कि आलू की कचौड़ी भी बनाते हैं, तो ये होगा। और आइए मैं आप लोगों को अपनी करवा चौथ की थाली तो दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी करवा चौथ की थाली और ये है, इसमें गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है और लोटा और छलनी के ऊपर ना मैंने थोड़ा DIY किया है, ये कुछ चिपकाया है मैंने, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है तैयार हैं और मैं अपनी थाली अरेंज कर लेती हूँ। और ये देखिए करवा चौथ के इतने अच्छे मौके पर FedEx से पार्सल रिसीव हुआ है, जस्ट अभी आया है, इसको अनबॉक्स करती हूँ। तो ये मुझे कुछ मिठाइयाँ रिसीव हुई हैं फ्रॉम quickly.com एंड quickly.com इज़ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन USA। दे ऑफर अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ इंडियन स्वीट्स, डेजर्ट्स, अ वेराइटी ऑफ इंडियन ग्रॉसरीज, टिफिन्स, फुली प्रैप्ड इंडियन मील्स, इंडियन स्पाइसेज एंड यू नो सेम डे डिलीवरी ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल, फ्री डिलीवरी ऑन ऑल द ऑर्डर्स। सो दिवाली का टाइम है और अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, लव्ड वंस दे आर लिविंग इन USA और आप उन्हें दिवाली स्वीट्स, गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो quickly.com इज़ द प्लेस। आप कहीं भी हों वर्ल्ड में, यू कैन डायरेक्टली प्लेस योर ऑर्डर एंड योर स्वीट्स विल बी डिलीवर टू योर लव्ड वंस। और बहुत ही ईजी है, आप अपना कस्टमाइज वीडियो या कस्टमाइज मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। There is a 10% discount code for all my viewers. Link is in the description box and quality of sweets looks very good. तो यहाँ पर मैं अपनी थाली जो है ना उसको अरेंज कर लेती हूँ और कुछ स्वीट्स रखनी थी तो मैंने घर पे जो स्वीट्स बनाई हैं वो रखूँगी और ये स्वीट्स टाइम से आ गई हैं तो इनको भी रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी थाली जो है वो लगाऊंगी। ओके गाइस, सो मेरी थाली जो है वो आप देख सकते हो कि रेडी हो गई है। मैंने सारी चीज़ें ना सेटअप करके रख दी हैं और खाने पीने का भी सारा ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मैं ना अभी बस जा रही हूँ रेडी होने के लिए और फिर आके मैं कथा पढ़ूंगी और फिर मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप कि अच्छी ही लगूँ। सो यहाँ पर मैं भी रेडी होकर आ गई हूँ और ये रहा मेरा करवा चौथ लुक 2022। और मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील्स बना के डाली थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी सारा पसंद किया और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं, hopeyourelate.indianmomusa नीचे शो हो रहा है, ये है मेरा इंस्टाग्राम ID। तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ जुड़िए, मैं वहाँ पे भी ना कुछ कुछ अपडेट्स एंड रील्स वगैरह डालती रहती हूँ फॉर फन।
ये देखिए बहुत ही प्रीशियस सी चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है मेरी चुनरी जो फेरों के टाइम पे मुझे उढ़ाई गई थी। ये इंडिया में ही रखी थी, इस बार रीसेंट जो इंडिया ट्रिप था उसमें मैं इसको ले आई, और इस पे हाथ रखते ही वो पुराना टाइम एकदम से याद आ गया। तो सारी तैयारी हो गई है और अब मैं करवा चौथ की जो कथा वगैरह है वो पढ़ूंगी, और सिया और भूमि को भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था तो मैंने कथा पढ़ते टाइम उनको भी बिठा लिया था। और पूजा हो गई है मेरी, बच्चों का डिनर भी मैंने करा दिया है, और कल सिया का स्कूल भी है तो टाइम से सुलाना था, नहीं तो वो सुबह जगती नहीं, तो इसीलिए मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया है। और यहाँ पर मैं और पुष्पेंद्र वेट कर रहे हैं चांद का। तो पुष्पेंद्र एक दो बार चेक भी करने गए बाहर, तो 8:15 मून राइज़ टाइम था, अराउंड 10:30 बज गए हैं, लेकिन अभी मून राइज़ का कुछ अता पता नहीं है। इनफैक्ट क्लाउडी डे है और ना तो स्टार्स निकले हैं ना चांद दिख रहा है, और कुछ नहीं पता कि कब तक दिखेगा। तो वैसे मून राइज हो चुका है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। तो काफ़ी वेट करने के बाद, इधर उधर फ्रेंड्स से बात करने के बाद, ये डिसाइड हुआ कि चलो अंदाजे से जिस तरफ चांद निकलेगा मैं अर्घ दे देती हूँ, और इस तरीके से मैंने अपना व्रत खोला। क्या कर सकते हैं, अगर मैं 12 बजे तक भी वेट करती रहती तो भी कुछ अता पता नहीं था कि चांद दिखता रहता। तो अराउंड 10:30 बजे मैंने व्रत खोला है, और उसके बाद हमने बाद में खाना वाना खा के भी चेक किया था, तब भी ना चांद नहीं दिखा था। और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, मैंने ना आलू की कचौड़ियों की स्टफिंग बना दी थी और रायता वगैरह भी बना के रख दिया था। तो अभी ये डिसाइड हुआ कि अब कचौड़ी का प्लान रहने ही देते हैं, मैंने वो फ्रिज में उठा के रख दी है, और ये हमारा करवा चौथ का डिनर हो गया है। रायता है, पूड़ियाँ हैं, कुछ स्वीट है और मिक्स वेज की सब्ज़ी। और कचौड़ी का प्लान इसलिए हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट था और फिर बनाने बनाने में आवाज़ होती। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पर बन रहा है नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, और एग्स बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। और कल रात को हमने फिर पूजा वगैरह करके खाना वाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए वही व्लॉग मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज मौसम ना थोड़ा ठंडा हो गया है तो सिया को हुडी पहना के भेजा है। भूमि अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, पुष्पेंद्र का ब्रेकफास्ट बन रहा है यहाँ पे, और अभी मुझे वही जो रिलेटेड घर के काम होते हैं वो सब करने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को जो है मतलब व्लॉग को एंड तो कर लूँ। ओके, सो भूमि देख रही है थोड़ी देर टीवी, और पुष्पेंद्र को ब्रेकफास्ट बना के मैं दे आई हूँ। और तो इसी तरीके से रहा सुबह का टाइम तो, और हमारा करवा चौथ का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के सेलिब्रेशंस कैसे रहे, और अगर हो सके तो अपनी पिक्चर्स भी मुझसे शेयर कीजिएगा। हाँ बेटा, सो मैं जाती हूँ शार लेने के लिए, और उसके बाद जो मेरा करवा चौथ का सामान है ना वो सब थाली वगैरह वो सब मैं उठा के अच्छे से रख दूंगी, और उसके बाद वही घर से रिलेटेड जो काम है वो सब चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी करवा चौथ, एंड आप सबको भी बहुत अच्छा रहा हो आपका करवा चौथ, ये उम्मीद करती हूँ। सो चलिए मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड बाय, टेक केयर गाइज।